आज मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद हेयर ऑयलिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों को मेरी हेयर ऑयलिंग बहुत पसंद आती है और आप लोग पसंद भी करते हो, सो मुझे लगा कि इस बार जो मेरी करंट हेयर ऑयलिंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो ही गाइस, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल कैम शो। मैं अपेक्षा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हेयर ऑयलिंग रूटीन। हेयर ऑयलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हेयर ऑयलिंग कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी में खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गाइस अभी दिवाली का टाइम है ना, सो मतलब यहाँ पे वैकेशन चल रहा है, सब लोग घर पे ही है, सो इसलिए आप लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगा, सो प्लीज़ इग्नोर और मेरी बातों पे ही ध्यान दीजिएगा, ओके। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, हेयर ऑयलिंग। हाँ, हेयर ऑयलिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपनी बॉडी में खाने पीने का ध्यान देते हैं ना, अच्छा खाना पीना अपने बॉडी के अंदर डालते हैं ना, बस उसी तरह से हमें हेयर ऑयलिंग भी कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देती हूँ। आजकल मैं ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये है मेरिटो VCO एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। तो ये 100% वर्जन कोकोनट ऑयल है और इसकी क्वांटिटी है 5 ml। आजकल ये कोकोनट ऑयल मेरा फेवरेट हो चुका है। पैरासूट वाला जो कोकोनट ऑयल आता है ना, वही मैं यूज़ करती थी। इसके बाद मुझे ये PR में रिसीव हुआ है और मैंने यूज़ करके देखा, मुझे बहुत पसंद आया। और गाइस, इसके अंदर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी परफ्यूम वगैरह इन्होंने ऐड नहीं किया है, प्योर कोकोनट ऑयल है। इसके ऊपर भी लिखा है और इसके अंदर से भी जैसे कोकोनट की वाटी की जो स्मेल आती है ना, प्योर कोकोनट की, बस सेम उसी तरह की इसमें सिर्फ स्मेल आती है। चलिए, तो बहुत सारी बातचीत कर ली, अब मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ अपनी, आप लोगों के साथ ही आप लोगों के सामने मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी। और हाँ गाइस, मैं कोशिश करती हूँ, अभी विंटर स्टार्ट हो गए ना, तो मैं हॉट ऑयलिंग करूँ, बट कभी कभी मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ, तो डिपेंड करता है मेरे पास कितना टाइम है। सो अच्छे से मैं फिंगर पे लूँगी और स्कैल्प में अंदर मसाज करते हुए अप्लाई करूँगी। ऑयल कभी भी ऊपर ऊपर नहीं लगाना चाहिए, और कुछ लोग ऐसा करते कि 1-2 घंटे ऑयल लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो गाइस, ऐसा मेरे मतलब अगर आप लोग मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हो ना, तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट ओवरनाइट तो रहने ही देना है हमें, रात को आप लगा लो, सुबह मॉर्निंग में उठकर हेयर वॉश कर लो, एकदम सिंपल है। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, वर्किंग हो, काम करते हो, सो रात को आप हेयर ऑयलिंग कर लो, सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लो। और आप लोग बताइए, आप लोगों के वहाँ ठंड स्टार्ट हुई या नहीं, आप सब कपड़े देखकर मतलब जान ही गए होगे राइट, क्योंकि यहाँ पे ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है। सो चलिए मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ फटाफट। अभी मैं विंटर में कोशिश करती हूँ कि अभी विंटर स्टार्ट हो गया ना जैसे जैसे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हॉट ऑयल मसाज करने का टाइम निकालूँ, और कभी कभी मम्मी से भी मैं करवा लेती हूँ। अगर मम्मी यहाँ पे रुकने के लिए आती है ना, तो मैं मम्मी से हॉट ऑयल मसाज करवा लेती हूँ, या फिर डेनिस से करवा लेती हूँ। अभी रात का टाइम है, मैं रात को हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। और आप लोग खुद देख सकते हो मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, कैसे दिखाओ, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो आप लोगों को आई डोंट नो दिखेगा या नहीं, लेकिन हाँ, सो आप लोग देखो। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो गाइस, प्योर कोकोनट की तरह इसका एकदम ट्रांसपेरेंट है राइट। और ये 100% वर्जन ऑयल है, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, सो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे थे 500 ml। और गाइस, इसमें छोटी बॉटल भी आती है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो या फिर ट्रैवल के लिए लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं, तो इसमें आई थिंक 100 ml की भी बॉटल आती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिप दे दूँगी, मुझे PR में तीनों तरह की बॉटल रिसीव हुई है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी। Thank you.
मेरे हेयर थोड़े लंबे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी जाता है, बहुत शैम्पू भी जाता है, कंडीशनर भी, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हुए हेयर ऑयलिंग कर ली। बस इसी तरह से आपको भी ओवरनाइट रखना है हेयर ऑयल, जब भी आप करो ना हेयर ऑयलिंग, सो रात को हेयर ऑयलिंग कर लो और सुबह मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लो, बस इतना ही करना है। अगर आप अपने बालों का टेक्सचर अच्छा रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने बाल जल्दी से लंबे हो जाएं, आपका हेयर ग्रोथ अच्छा रहे, तो गाइस जितना हो सके इतना हेयर ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करो। अगर आप लोग बिजी हो, वर्किंग हो, तो कोशिश करो कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो हेयर ऑयलिंग करें और अपने बालों को जितना हो सके इतना क्लीन रखें, धूल मिट्टी गंदगी से दूर रखें। इसलिए हमेशा हफ्ते में एक या दो बार हेयर वॉश भी अच्छे से आप अपने बालों को, स्कैल्प को साफ रखो। मेरे कहने का मतलब यही है, बस आप इतना ही करोगे ना तो भी आपके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। और जितना हो सके मैं कहती हूँ परफ्यूम, केमिकल प्रोडक्ट से दूर रखो अपने बालों को, केमिकल वाले प्रोडक्ट जितना हो सके इतना कम यूज़ करो। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और मैं कोशिश करती हूँ अपने हर वीडियो में कि अपने हर वीडियो को सिंपल रखूँ, आप लोग अगर वर्किंग हो तो भी आप इजीली फॉलो कर पाओ। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ चटर वाली रेसिपी वगैरह मैं नहीं दिखाती अपने वीडियो में। कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियो को सिंपल रखूँ और आप लोग भी ये स्टेप को फॉलो कर पाओ। सो हेयर ऑयलिंग, हेयर वॉश करो, अच्छे से अपने बालों को क्लीन रखो, तो आपको डैंड्रफ वगैरह की भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और विंटर स्टार्ट हो रहा है, सो ध्यान रखिएगा अपना और अपने बालों का भी, क्योंकि विंटर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, राइट? इसलिए अपने बालों का भी ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।